हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिलेश। आप देख रहे हैं एनएफटी रिव्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज बात करने वाले मल्टीपल ओटीटी रिलीज के बारे में। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करने वाले द फ्लैश मूवी के बारे में, जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। बॉक्स कलेक्शन पे अच्छा कलेक्शन कर रहा है और इसका ओटीटी कब तक देखने को मिलेगा और वीओडी कब तक देखने को मिलेगा, तो ये बताया जा रहा है। आपको वीओडी पहले आपको अगस्त के मंथ में देखने को मिलेगा, 1 अगस्त को बताया जा रहा है। करंट रिपोर्ट के अनुसार आपको ये ओटीटी कब देखने को मिलने वाला, तो सितंबर तक आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको सितंबर पे आपको देखने को मिलेगा। तो कितने तारीख को ये तारीख तो नहीं मालूम चला, लेकिन अभी आपको बता दूं कि इसका प्लेटफॉर्म अभी डिसाइड नहीं हो पाया कि कहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको HBO पे देखने को मिलने वाला है। उधर तो आपको जो जियो सिनेमा और HBO का मर्जर हुआ है, तो उस वजह से आपको चांसेस है कि इंडिया के अंदर में आपको जियो सिनेमा पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके जो वीडियो ऑन डिमांड पे कहाँ देखने को मिलेगा। तो Amazon प्राइम का सामने निकल के आ रहे नाम, उधर आपको वीडियो ऑन डिमांड पे देखने को मिलेगा, तो उधर बाय कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आपको सितंबर तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर, स्पाइडरमैन द अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की बात करते हैं। तो इसका OTT बताया जा रहा है आपको, डिज्नी प्लस Hotstar रहने वाला है और इसका OTT रिलीज बताया जा रहा है 18 जुलाई के पहले इसका वीडियो ऑन डिमांड पहले रिलीज होगा। उसके बाद आपको इसका 1 महीने का अराउंड चलता है, तो वीडियो ऑन डिमांड उसके बाद आपको देखने को मिलता है। तो मान लीजिए चलिए आपको अगस्त के लास्ट तक आपको इसका OTT रिलीज देखने को मिलने वाला है और यह डिज्नी पर रिलीज होगा। जितने भी मैंने रिपोर्ट पढ़े तो इसके अनुसार आपको यही बता रहे हैं कि डिज्नी पर रिलीज होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंट ऊपर, जो कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो कि रिलीज होने वाला है। बताया जा रहा है आपको ये देखने को मिलने वाला है आपको जुलाई 28 जुलाई तक। आपको इसका पहले ब्यूटी ऑन ब्यूटी देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्वल के कुछ मूवीज पहले देखने को मिला थे जो कि ब्यूटी पर पहले रिलीज हुआ है, उसके बाद आपको ये OTT रिलीज देखने को मिला है। तो वेस्टर्न के इसके साथ भी होने वाला है, तो आपको Amazon प्राइम पर पहले ब्यूटी देखने को मिलेगा और अदर जितने भी बाई वाला मॉडल है जहाँ पे देखने को मिलते हैं वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसका OTT रिलीज की बात करें तो आपको ये जैसे कि 28 जुलाई तक अब इसका ये वीडियो चलने वाला है, तो स्टार्ट होने वाला है। तो मान के चलिए अगस्त के लास्ट तक यानी कि सितंबर तक आपको ये देखने को मिलने वाला है OTT रिलीज। तो 1 महीने का अराउंड चलता है, तो जो भी चेंजेस होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे कि आपको हर मूवीज एंड वेब सीरीज जो भी होते हैं उसके डेट चेंजेस होते रहते हैं, जो कि तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा नेक्स्ट में आपको मैं अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और लाइक करना जरूरी है। जो भी क्यूरी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बिंदास शेयर कर सकते हैं। और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।